हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और तरह के नेटवर्क की। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में तीन चार तरह के नेटवर्क जो है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन सैन, ये सब डिस्कस किया था। आज कुछ और डिफरेंट तरह के नेटवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है जैसे पैन। तो पैन किसके किसको बोलते हैं हम? पैन का मतलब हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। मतलब क्या हुआ कि जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसके क्लोज में, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उसके आसपास ही डिफरेंट तरह की डिवाइसेस जो है वो अटैच हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन, ठीक है। अब इससे हम क्या 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 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा ईयरफोन हो गया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। फिर हमने इससे मोबाइल भी इसका कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर भी कनेक्टेड है इससे, ठीक है। प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ये सपोज कीजिए हेडफोन हो गया, ठीक है। और हमने कहा ये वायरलेस माउस भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ वायरलेस और वायर्ड माउस हो गया, ठीक। उसके बाद ये कि एक लैपटॉप किसी दूसरे और कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, अनदर पीसी से। उसके बाद हमने कहा ये एक और मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा, इसीलिए इसको हमने बोला है पर्सनल। मतलब एक पर्सन अगर डिफरेंट डिवाइसेस से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, हेडफोन से, एक और मोबाइल से, प्रिंटर से, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। कुछ अब एग्जाम्पल की बात करें कि भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क इस तरह के कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे लिखा, देखिए कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है आपका? प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है, फैक्स मशीन है तो वो कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। टेलीफोन है वो कनेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है पीडीएस वो कनेक्ट हो सकते हैं, स्कैनर है वो भी कनेक्ट हो सकता है। और इवन अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर मान लीजिए ज़रूरत है या वो पर्सन यूज़ करता है, तो वीडियो गेम कंसोल्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क पे आ जाइए, दैट इज़ होम नेटवर्क, जिससे आप सब लोग परिचित भी होंगे, तब भी उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होम नेटवर्क, ठीक है। होम नेटवर्क देखिए क्या होता है। ए होम नेटवर्क इज ए रेजिडेंशियल लैन विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिजिटल सर्विसेज टिपिकली डिप्लॉयड इन द होम। यूजुअली ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज सच एज प्रिंटर्स, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेज एक्सेट्रा। मतलब होम नेटवर्क का मतलब ही ये हुआ कि भाई किसी घर के अंदर जो है, अगर ये सब डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक, तो कनेक्ट कर सकें क्या उसको? हम अब कंप्यूटर रखा हुआ है, मोबाइल है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारी चीज़ें घर के अंदर है, और इन सबको हम आपस में हमने कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड होम नेटवर्क, क्लियर। अब एसेसरीज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी प्रिंटर है, स्कैनर है, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड ऑल दैट। जो इम्पॉर्टेंट काम होता है, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस ऑफ एन ए ब्रॉडबैंड सर्विस थ्रू ए केबल टीवी और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल प्रोवाइडर। तो मेन इसका यूज़ जो होता है कि मान लीजिए हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, किसी इंटरनेट एक्सेस, अब इंटरनेट हम अपने घर में हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम दो तरह से ले सकते हैं, थ्रू
थ्रू केबल्स भी ले सकते हैं और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से, डीएसएल, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, इनसे भी हम ले सकते हैं। तो जब हम घर के अंदर जो कनेक्शन ला रहे हैं इंटरनेट का, उसके बाद घर की सारी डिवाइसेस को उससे कनेक्ट करना है, तो अगर उन डिवाइसेस को हम नेटवर्क में लिए रहेंगे तो वो सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और इफ वी हैव मोर देन वन कंप्यूटर इन आवर होम, ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम टू द इंटरनेट, द इजिएस्ट वे टू डू दिस इज बाई क्रिएटिंग ए होम नेटवर्क। ये हमने होम नेटवर्क में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया और इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया हमने जो बाहर से हमारे पास लाइन आ रही है इंटरनेट से, ठीक है। तो इससे होम नेटवर्क का फायदा हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं होम नेटवर्क के, जैसे कई फोन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, MP3 प्लेयर है, वीडियो गेम कॉन्सोल्स हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, DVR जिसको बोलते हैं, दे आर इक्विप्ड विद वायरलेस कार्ड्स एंड ऑफन रिक्वायर वेरी लिटिल सेटअप टू कनेक्ट देम टू योर होम नेटवर्क। आज के समय में ये सब वायरलेस कार्ड से इक्विप्ड ये इक्विपमेंट्स आते हैं और इनको बड़े इजिली आप होम नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क पे आप आ जाइए, दैट इज कॉल्ड बैकबोन नेटवर्क, बैकबोन नेटवर्क। देखिए बैकबोन नेटवर्क क्या होता है, बैकबोन नेटवर्क और नेटवर्क बैकबोन इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंटरकनेक्ट्स वेरियस पीसेज ऑफ नेटवर्क, प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लैंस और सब नेटवर्क। ए बैकबोन कैन टाई टूगेदर डाइवर्स नेटवर्क इन द सेम बिल्डिंग और इन डिफरेंट बिल्डिंग्स इन ए कैंपस एनवायरमेंट और ओवर वाइड एरियाज। नॉर्मली द बैकबोन कैपेसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नेटवर्क्स कनेक्टेड टू इट। मतलब क्या होता है कि बैकबोन नेटवर्क क्या होता है कि ये सिंपली इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंटरकनेक्ट्स वेरियस पीसेज ऑफ नेटवर्क। मतलब किसी नेटवर्क के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए अगर ये आपको ऐसे नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग एक बैकबोन नेटवर्क का लेआउट बनाते हैं। सपोज कीजिए कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए लेआउट ऑफ बैकबोन लेआउट, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमने कहा कि एक पहला हमारा यहाँ पे नेटवर्क है, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमारा कंटेंट नेटवर्क है, ठीक। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ बनाया, ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इसको हमने नाम दिया ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कहा एक हमारा PC1 है, PC A कह लीजिए, ये हमारा PC B है, दूसरा कंप्यूटर, ये हमारा कनेक्टेड है PC C है, चाहे 1 2 3 कर दीजिए, चाहे भी तीन कंप्यूटर कनेक्टेड है बहरहाल, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि ये जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, ठीक है, और ये जो आपका कंटेंट, अच्छा अब एक एक करके आप चीज़ों को जोड़िए। तो मान लीजिए कंटेंट नेटवर्क से क्या होगा, यहाँ पे हमने ये जो इनसे कौन जुड़ा हुआ, हमने कहा इनसे स्पॉन्सर एंड एडवर्टाइजर ये जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इनसे गिव एंड टेक हो रहा है कंटेंट से। फिर और कौन जुड़ा हुआ, ये स्पेशलाइज्ड जो प्रोग्रामर है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क से बाई डायरेक्शनल ढंग से। उसके बाद हमने कहा जो म्यूजिक प्रोवाइडर हैं, कंपनीज हैं, हमने कहा म्यूजिक प्रोवाइडर, ये भी इस नेटवर्क से बाई डायरेक्शनल जुड़े हुए हैं, मतलब गिव एंड टेक वाले उसमें जुड़े हुए हैं। अब ये जो PCA है ये क्या कर रहा है, ये इससे डेटा इसको भेज भी सकता है ले भी सकता है, ठीक।
सिमिलरली हमने कहा ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है और ये भी ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कंटेंट नेटवर्क से, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, गिव एंड टेक, ठीक। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन कॉमा स्टोरेज कॉमा स्ट्रीमिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए ये हो गया पेमेंट और यहाँ हमने लिख दिया डाउनलोड, ठीक। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से क्या है, यहाँ पे जो अलग अलग लिसनर हैं, मान लीजिए जो भी सुनने वाले लोग हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और जो लिसनर ए बी सी डी ई, ये जो हमने कहा उसे 1 2 3 4 5, ये जो म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं दे आर लिसनर, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ये एक तरह से एक एग्जाम्पल हो गई बैकबोन लेआउट, क्लियर। अब इसमें क्या एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ए लार्ज कॉर्पोरेशन विच हैज मेनी लोकेशंस मे हैव ए बैकबोन नेटवर्क दैट टाइज ऑल ऑफ दीज लोकेशन टुगेदर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके कई जगह पे ऑफिस है, कई लोकेशंस पे है, तो बैकबोन नेटवर्क उन सारे लोकेशंस को आपस में टाई करने का काम भी, आपस में बांधे रखने का काम भी करता है। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इज इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए इसका नाम ही अपने आप ही बता रहा है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, मतलब किसी इंटरप्राइज का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको केवल वो यूज कर सकते हैं या उनके द्वारा ऑथराइज यूजर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी इंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है, तो उसके कई लोकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन साइट है, हेड ऑफिस है, रिमोट ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, ठीक है, इन सब और इन और इन इन सब को आपस में वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपस में उनको जोड़ सकता है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा मेन ऑफिस है किसी कंपनी का, दिस इज मेन ऑफिस, ठीक। अब मेन ऑफिस जो है सॉरी, ये क्या हो गया, ये हो गया रिमोट ऑफिस, ठीक, ये एक, ये भी रिमोट ऑफिस दो, ये हमने कहा रिमोट ऑफिस तीन, ये हमने कहा रिमोट ऑफिस चार, और ये मेन ऑफिस बाहरी वर्ल्ड से किस चीज से कनेक्टेड है, इंटरनेट से, ठीक। अब ये मेन ऑफिस इंटरनेट से जब कनेक्टेड है तो ये आपस में कनेक्ट होगा, तो ये ऑफिस इसको भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो जब इस तरह से आप एक नेटवर्क बनाएंगे और बाई डायरेक्शनल भेज भी सकता है, ले भी सकता है इंफॉर्मेशन, ऐसे कीजिए, तो इस तरह का नेटवर्क कहलाता है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। अब एक और तरह का जो लास्ट नेटवर्क रह गया, दैट इज कॉल्ड डैन, डेस्क एरिया नेटवर्क। तो अब इसमें भी देखिए इसकी कहानी इसके नाम में ही छुपी हुई है, डेस्क एरिया नेटवर्क, मतलब द डैन इज ए मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन बेस्ड अराउंड एन एटीएम इंटरकनेक्ट, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल्स एंड इवन बिटवीन द सीपीयू एंड इट्स मेन मेमोरी इज अचीव्ड बाय सेंडिंग एटीएम सेल्स थ्रू ए स्विच फैब्रिक, क्लियर। ए प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन द Faircell switch fabric has been built and is being used to investigate the architecture. तो इस पे अभी जो मैंने आपको बताया कि ये मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन बेस्ड अराउंड एन ATM इंटरकनेक्ट पे ये काम करता है, इस पे अभी काम चल रहा है, ठीक है, इसका एक प्रोटोटाइप अभी टेस्ट किया जा रहा है कि इस तरह का नेटवर्क ताकि आगे पॉपुलरली हर जगह पे यूज किया जा सके, ठीक है।
तो आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है या कोई डाउट्स है या किसी और टॉपिक के टाइप के नेटवर्क के बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह है कि अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।